नीमच जिले में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने के बाद नीमच की जनता के मन में अब एक ही सवाल है कि आखिर मेडिकल कॉलेज कहां बनेगा। इस बीच एक राहत देने वाली खबर यह है कि शहर के आसपास ही मेडिकल कॉलेज बनाने की जुगाड़ बैठाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके संकेत यह है कि शुक्रवार को प्रशासन ने कनावटी से लगी नपा और राजस्व की भूमि का सीमांकन किया। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिलने के बाद शासन से मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए करीब 3 माह पूर्व 30 करोड़ रुपए भी मिल चुके हैं, पर विडंबना यह है कि अब तक मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो पाई। 75 बीघा भूमि के जुगाड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए पूर्व में चिन्हित भूमि हवाई पट्टी के पास, जहां पहुंचने के लिए हिंगोरिया रेलवे फाटक को पार करना पड़ता है। इसी तरह मंत्री जी ने जो भूमि बताई वह संग्राना के पास होकर पहाड़ी क्षेत्र, जिस पर हाई टेंशन लाइन के 22 खंभे हैं। भूमि सड़क से दूर है, जिस पर पहुंचने के लिए अप्रोच रोड बनाना होगा, जो कि बड़ा दिक्कत भरा कार्य है। सूत्रों के अनुसार ऐसे में प्रशासन ने शहर के पास ही मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 75 बीघा भूमि तलाशने का प्रयास शुरू कर दिया, जिसके तहत की कनावटी के पास 125 बीघा भूमि का सर्व कर सीमांकन किया। बताया जा रहा है कि सड़क के दोनों तरफ राजस्व और नपा की भूमि का मिला लिया जाए तो करीब 100 बीघा के आसपास भूमि हो जाती है, जो मेडिकल कॉलेज के लिए पर्याप्त है। ऐसे में प्रशासन अब संबंधित भूमि पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की संभावना तलाश रहा है। माननीय मंत्री एवं माननीय विधायक नीमच एवं माननीय विधायक पनासा से हमारी चर्चा हुई थी, और चर्चा के दौरान ये निष्कर्ष निकला था कि चूंकि जो पूर्व की प्रस्तावित लैंड है उसमें कुछ एयरपोर्ट के इश्यूज हैं, एयरपोर्ट हवाई पट्टी भी है, तो हमको निर्देश ये आया था कि इसमें अन्य कोई लैंड देखें जो 4 लेन के नज़दीक हो। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कुछ लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो 4 लेन पर हो और जिससे सिंगोली और अन्य जो दूरस्थ स्थानों के लोगों को कनेक्टिविटी मिल पाए। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी लैंड देखी जा रही है, अभी इसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। हम लोग और भी 4 लेन की जो लैंड है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके बाद इसमें आगे जो भी शासन का निर्णय होगा उसके परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई की जाएगी।